So Ravi, I want to know first of all from you that what all things were right and wrong, and what do you want to rate yourself out of 10? Actually, I am rate myself 10 out of 6 Six. Why six? because I don't have knowledge about most of the smaller question like academic question, normal question, which I feel I have to learn this type of question as well. And second thing is that my English up not up to the mark at the point of view, because last time I have learned because of I'm practicing actually, Okay. not to I look your face. Actually, I'm this. That's why I'm misleading some words because Okay. I'm looking at you. If I don't look like this, I will never. Yes. Okay, cool. Okay, got your point. And Ravi, how was the mock interview? What do you want to say about that? Sir, this is awesome, sir. Actually, this is where it's like it feel like real. Actually, it's helped me to attend when someone new come to me. Okay, so I can face easily whatever he is. I'm not hesitation about his product manager taking my interview, or I'm not getting any nervous. So I'm facing you and your question. So I will be being confident, sir. Okay, perfect. Okay. So Ravi, I'll tell you honestly now my feedback, what I felt about the interview and what all things were right and wrong in the interview. Okay. So first thing is, आपको इंग्लिश बोलने की कोई नीड नहीं है. अगर इंग्लिश पे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में तो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. इंग्लिश कहाँ बोलना है? ओनली इंट्रोडक्शन, जहाँ इंट्रोड्यूस करते हो अपने आपको, इन बायजूस क्वेश्चन, फाउंडर, को फाउंडर एंड ऑल. ओके, जैसे ही आई टेल यू नाउ आई बी आस्किंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में यू कैन स्पीक इन हिंदी, नॉट अ प्रॉब्लम. आप परमिशन लो इंटरव्यूअर से कि सर आई वांट टू स्पीक इन हिंदी, कैन आई स्पीक इन हिंदी. वो बोलेंगे यस. जैसे ही वो यस बोलेंगे आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज नॉट मैंडेटरी टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. आप परमिशन लो, वो अलाउ करेंगे, यू कैन स्पीक इन हिंदी. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो बेटर स्पीक इन हिंदी. ओके, नाउ आई विल कम फ्रॉम द बिगनिंग. आपने अपना इंट्रो स्टार्ट किया. इंट्रो में आई टेल यू, यू हैव मेंशन एवरीथिंग अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड. फादर इज डूइंग दिस, मदर इज अ होम मेकर, ब्रदर इज दिस, ऑल दैट थिंग्स. ओके, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंट्रो में. बिकॉज इंट्रो में आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू कि वॉट डू यू डू, वॉट हैव यू डन, है ना? आपने स्कूल्स में कॉलेजेस में क्या अचीवमेंट करी है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, हु इज रवि किशन. ओके, मुझे मतलब नहीं है कि आपकी फैमिली में कौन क्या करता है. आई डोंट लाइक, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. ओके, आई ओनली वॉन्ट टू नो अबाउट यू. सो ट्राई ये करना है इंट्रो में कि यू शुड एड अबाउट योर सेल्फ. जो आपकी अचीवमेंट है आपको ऐड करना है. आपने स्कूल में, कॉलेजेस में कोई भी अवार्ड जीता हो, कुछ भी अचीव किया हो, उसको ऐड करो. अगर कुछ ना मिले तो ऐड योर हॉबी, जो भी आप करते हो फ्री टाइम में, सिंगिंग, डांसिंग, कोई स्पोर्ट्स पसंद है आपको, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी, उसको ऐड करो, है ना? बिकॉज इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो कि आप करते क्या हो लाइफ में. अपार्ट फ्रॉम जॉब तो सब करते हैं और पढ़ाई सब करते हैं, बट आप एक्स्ट्रा क्या करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम में आप क्या करते हो? कुछ भी अगर आप में है ट्राई करो कि उसको इंट्रो में ऐड करने का. एंड अवॉइड सेइंग पापा मम्मी के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, फैमिली में कौन क्या करता है मत बोलो. मार्क्स कितने आए आपको 10th 12th में, ग्रेजुएशन में, कोई जरूरत नहीं है बोलने की. ठीक है, रिक्वायर्ड ही नहीं है वो चीज बोलने की. ठीक है, सेकेंडली हमने जो क्वेश्चन पूछे आपसे बायजूस के बारे में, ठीक है, तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन कि को फाउंडर कौन है. को फाउंडर इज दिव्या गोकुलनाथ, शी इज द वाइफ ऑफ. हाँ, तो आपको पता होना चाहिए. ओके, अब आपको नहीं पता होगा ना तो आपको इंटरव्यू को लगता है कि इसको पता ही नहीं है, इसने पढ़ाई नहीं है बायजूस के बारे में, सीधा ये उठ के आ गया हमारे पास. ओके, सो ऑलवेज ट्राई कि बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं आपको पता होने चाहिए. फाउंडर, को फाउंडर कौन कौन है ना, सब पता होना चाहिए आपको. उन क्वेश्चन में यू के नॉट से नो कि मुझे नहीं पता है. ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों का कि हमें पता होना चाहिए वैसे क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कमिंग टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में द वन थिंग विच वॉज गुड इज ग्रीटिंग. आपने सब में ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, सब कुछ बोला आपने. ठीक है, तो ग्रीटिंग वॉज वेरी गुड, बट आपका जो अप्रोच था वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे. वाई? बिकॉज आप सेल्स पर्सन होके अपने आइटम को बुरा बोल रहे थे. आपने क्या बोला कि 100 का कार ले लो, 100 वाली कार अच्छी है बट 500 वाली कार खराब है. खराब नहीं बोलना है, आप सेल्स पर्सन हो, आप बेचने के लिए बैठे हो वहां पे, तो अपने आइटम को खराब नहीं बोल सकते हो. आपने बोला कि मेरा घर खराब है, आपका घर काफी अच्छा, मेरा घर खराब है, ऐसा कभी कोई नहीं बोलता है. ठीक है, अगर आप सेल्स पर्सन हो, कुछ बेच रहे हो ना, तो बोलना पड़ेगा आपको सभी चीजें अच्छी है.
पर तारीफ करो उसकी जो आपको बेचना है, पर खराब मत बोलो किसी भी चीज को। ये मत बोलो कि सर 500 वाला जो आइटम है उसमें वारंटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खराब है, ऐसा ईएमआईज नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, सर्विस खराब है उसकी, सब मेंशन ही नहीं करना है हम, बिकॉज आप सेल्स पर्सन हो, आपको ये नहीं बोलना है वहां पे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, मेरा क्वेश्चन था आपसे एक लेडी वाला, कि लेडी आपकी शोरूम में आई है एक कॉस्मेटिक क्रीम खरीदने के लिए, ठीक है, तो वहां पे आपने विश करके स्टार्ट किया गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मत बोलो वहां पे, क्योंकि वो खुद गुस्से में आई है आपकी शॉप में, मैंने कंडीशन रखी थी कि वो गुस्से में आई है आपकी शॉप में, कोई गुस्से में आया आपकी शॉप पे तो आप उसको विश करोगे? कभी नहीं, पहले सॉरी बोलो उसको, फर्स्ट थिंग शुड बी सॉरी मैम, है ना। जैसे ही उसने खत्म किया कि मेरा पूरा फेस खराब हो गया, आप देख रहे हो कि फेस पूरा खराब हो चुका है उसका, तो आप सॉरी बोलो, वहां ग्रीटिंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने गलती क्या करी, आपने बोला कि मैम एक और आइटम हमारे पास है, इसको आप यूज कर लो फेस पे। आप बताओ, एक बार अगर एक्सपीरियंस खराब हो चुका उस कस्टमर का, विल ही ट्रस्ट यू? नो वन विल ट्रस्ट यू। अगर आप भी होगे ना वहां पे, आप भी ट्रस्ट नहीं करोगे, बिकॉज एक बार एक्सपीरियंस खराब हो चुका है। अगर आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, जहां से ब्लूटूथ आपने लिया है, मान लो आपने ऑनलाइन लिया, एक बार लिया आपने तो खराब निकल गया, दोबारा मंगाओगे आप वहां से? कुछ भी नहीं मंगाओगे ना वहां से, ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना आपका, चीज खराब निकल गया, मैं क्या मंगाऊ आप वहां से, है ना, क्या पता फिर नया खराब मिल जाए मुझे, जो मंगाओ फिर नया खराब मिल जाए मुझे, है ना। तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है, तो उस केस में बेस्ट आंसर ये होता है, आपको ये बोलना है कि मैम देखो, आप 10 लाख मांग रहे हो, आई एम जस्ट एम्प्लॉई हियर, है ना, सो मैं कुछ भी कर लूं, आई विल नॉट बी एबल टू पे 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो बेस्ट ये होगा कि मैं चलता हूँ आपके साथ टू अ डॉक्टर, ठीक है, हम चलते हैं साथ में टू अ डॉक्टर, है ना, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा आपका मैं पे करूंगा वो, ठीक है, आप चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरी गलती है, ये मेरी मिस्टेक है, तो आई विल कम विथ यू, ठीक है, आप जहां बोलोगे आई विल कम विथ यू, जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट आपका पड़ेगा, जो दवाई का खर्च पड़ेगा वो मैं पे करूंगा, बिकॉज ये मेरी गलती है। तो मैम बेटर है कि आप देखो केस, आप जो बोल रहे हो केस फाइल करने का, दैट इज योर राइट, आप कर सकते हो मैम, बट मैम अंडरस्टैंड, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से गलती हो गई, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मेरे से गलती हुई है, बट मैम लाइक डिमांडिंग 10 लाख रुपीज इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, कोई सॉल्यूशन नहीं है ये, 10 लाख मांग लो आप मुझसे, मैं पे कर दूं आपको। मैम मेरे तो एक छोटा सा सेल्स पर्सन हूँ, मेरी सैलरी है 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, तो 10 लाख कहाँ से पे करूंगा आपको? अगर मैं कुछ भी कर लू ना, आई विल नॉट बी एबल टू पे 10 लाख रुपीज टू यू। तो मैम बेस्ट ऑप्शन ये है, मैम सोचो, गलती हुई आई एक्सेप्ट कि मेरी वो प्रॉब्लम है, मेरी मिस्टेक थी, बट मैम उसके लिए आई विल कम विथ यू टू अ डॉक्टर, जो खर्चा होगा आई विल बियर इट, मैं पे करूंगा अपनी जेब से, आप कुछ नहीं पे करना, आप चलो, आई विल पे फॉर दैट, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन वी हैव, ठीक है। बाकी कुछ भी आप बोलोगे ना कि आप ये यूज कर लो, ये अप्लाई कर लो, कस्टमर विल नॉट ट्रस्ट यू कुछ भी केस में, है ना। सेकेंडली, आपका मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे घड़ी वाला, कि घड़ी आपको सेल करनी है किसी कस्टमर को, तो आपने बोला सर आप पार्टी में पहन के चले जाओ, है ना, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, पार्टी में नहीं पहनना होता है वैसी घड़ियों को, वो घड़ी एंटीक पीसेस होती है, एंटीक चीजों को हम घर पे रखते हैं सजा के, तो आपको ये बोलना चाहिए सर इसको आप खरीद लो एंड कीप एट योर होम प्लेस, आप रखो, आप तो सर काफी अमीर हो, राइट, एज यू आर परचेजिंग अ वॉच ऑफ 5 लाख रुपीज, दैट मीन्स सर यू आर रिच, तो सर आप वो खरीद लो, साथ में आपको मैं ये गिफ्ट कर दूंगा ये वॉच, ऐसे बोल दो सर, आपको आपको जो घड़ी खरीदनी है आप वही खरीद दो, विथ दैट वॉच आई एम गिफ्टिंग यू दिस वॉच ऑफ 5,000 रुपीज, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतनी महंगी घड़ी खरीदी है हमसे, ठीक है, तो डेफिनेटली आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिफ्ट समथिंग टू यू, तो मैं गिफ्ट करूंगा, इसको घर पे रखना आप, एंड समवन इज इफ आस्किंग यू समथिंग, तो आप बोलना उसको कि यूनिक घड़ी है, विंटेज वॉच है, 19th सेंचुरी की वॉच है, दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू यू, है ना। तो जहां लगता है कस्टमर इज वेरी रिच एंड ही इज ट्राइंग टू बाय 5 लाख 10 लाख रुपीज समथिंग अमाउंट, तो आप उसको गिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज 5 लाख में यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,50,000 रुपीज, है ना, जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो 5,000 का आइटम गिफ्ट करना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, है ना, आप कर सकते हो, तो गिफ्ट कर दो इस सिचुएशन में, ठीक है। नाउ कमिंग टू एकेडमिक पार्ट, आपका एकेडमिक काफी खराब रहा, आपने भी देखा सिंपल क्वेश्चन थे, न्यूटन्स लॉ एंड ऑल, है ना, आपको आना चाहिए था कि क्या होता है ना, मैंने आपसे पूछा क्या कंट्रीज, सॉरी स्टेट्स पूछा आपसे, कैपिटल्स पूछे आपसे स्टेट्स के, तो वहां पे यू नॉट एबल टू आंसर इन 2-3 क्वेश्चन, ओके। बाकी आप रेनबो का कलर जो बोला, रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, वो भी आपने बोला विबग्योर होता है, वो VIBGYOR, आपने जी मिस कर दिया था वहां पे, है ना, तो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दिस थिंग्स, है ना, वहां पे आप आंसर नहीं करोगे तो यू विल साउंड डम, ओके। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, एकेडमिक्स ज्यादा मैटर नहीं करता है इंटरव्यूज में, बट यू शुड नो, अगर आपको आता है एकेडमिक्स, दैट विल गिव यू अ +1 और +2, अगर नहीं बोलोगे एकेडमिक्स
तो नेगेटिव मिल जाएगा आपको वहां पे कि आपको नहीं आता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा आपके लिए। इतना कंपटीशन है बीडीए रोल के लिए कि नेगेटिव मत लेना, ट्राई करना जो भी आता हो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सही बोल दो एकेडमिक्स में। अगर 5 पूछता है इंटरव्यूअर, एटलीस्ट 2 सही बोलने हैं आपको, ये ट्राई करना है ठीक है। नाउ कमिंग टू बीडीए क्वेश्चंस, बीडीए में आपने क्या मिस्टेक करी, आपके आंसर्स बहुत अट्रैक्टिव थे, काफी अच्छे मुझे आंसर लगे आपके बीडीए के। पूरे इंटरव्यू में बीडीए के जो आंसर आपने बोले ना, आई वॉज वेरी इंप्रेस विद दैट। पर आपने मिस्टेक क्या करी, आपने मिस्टेक ये करी, आपने कस्टमर को ग्रीट नहीं किया अच्छे से, रेपो बिल्डिंग नहीं करी अच्छे से। रेपो बिल्डिंग कैसे करनी होती है कि हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग नाउ डेज, बाहर सर कोविड चल रहा है टुडे, है ना। मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि कोविड चल रहा है तो आपकी फैमिली सेफ है या नहीं, तो आप भी ये पूछ सकते हो कस्टमर से, बिकॉज ये दिखाता है कि आप अच्छे इंसान हो, राइट। आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है कस्टमर के दिल में कि ओके यू आर अ गुड पर्सन। आपने पूछा, कोई पूछता है आज के टाइम पे, कोई नहीं पूछता है। एक सेल्स पर्सन कुछ बेचने आया है, बोलेगा सर आप, मैं बायजूस से आया हुआ हूँ, ये प्रोडक्ट है खरीद लो इसको, आप इसका फीचर ये है ये है ये है, खरीद लो इसको। बट आपने कुछ यूनिक किया, क्या किया, आपने कस्टमर से पूछा कि सर कोविड में आपकी फैमिली सेफ है या नहीं, आई वॉन्ट टू नो आउट ऑफ कंसर्न, बिकॉज सर मैंने देखा है कि बहुत फैमिली को दिक्कत आई है, तो सर आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपकी फैमिली सेफ रही या नहीं इस कोविड टाइम में, ठीक है। ये आप पूछ सकते हो कस्टमर से। सेकेंडली जो मैम है, जो जो कस्टमर की वाइफ है, वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है आप पूछ सकते हो। घर में पढ़ाता हो कौन है बच्चे को, है ना, मैम पढ़ाती है या आप पढ़ाते हैं, ये पूछ सकते हो। बच्चा किस क्लास में है, कहाँ कोचिंग करता है वो, ये आपको पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन। देन यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। सब मत पूछना, बट जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको पूछने पड़ेंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। कोविड तो आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है, वो बिना ऐड किए वो इंप्रेशन बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। सिर्फ आप बोलोगे कि मैं सेल करने आया हूँ, मेरे से ले लो, कोई नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो बेटर इज कि आप उसको रेपो बिल्डिंग, इसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, आपने रेपो बिल्डिंग कर ली अपनी कि आई एम अ गुड पर्सन, ठीक है। फिर आप कुछ भी बोलोगे ना कस्टमर को कि सर ये बायजूस का प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का है, कस्टमर विल ट्रस्ट यू कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो आप पे भरोसा करेगा वो कि वेन एवर समथिंग हैपेंस इन फ्यूचर तो ही विल ट्रस्ट यू, आपसे खरीदेगा वो बायजूस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। गाइस आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, सो दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम ऑल दीज वीडियो। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।